वैसे दोस्तों जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, इस चीज को तो हर एक घर में होना ही चाहिए। ये घर के अंदर में हर एक छोटे मोटे काम में बहुत काम आने वाली चीज है। वैसे दोस्तों अगर जहां तक मुझे लगता है कि हर घर में एक ऐसा ड्रिल मशीन होना ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी इसकी जरूरत जरूर पड़ती है। और अगर घर में नहीं होने की वजह से या आप छोटे मोटे काम के लिए किसी भी कारपेंटर को बुलाते हो, सपोज करो कि अगर आपको एक होल भी करना हो उसके एवज में आपको 50 रुपये मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो बंदा आएगा, चाहे वो फिर वो इलेक्ट्रिशियन हो या फिर कारपेंटर हो, आपके घर में आएगा। मान लो अगर आपको कोई चीज टांगनी है, सपोज करो एक हैंगर भी टांगना होगा, तो उसको टंगवाने के एवज में वो 50 रुपये ले लेगा। और इस चीज की कीमत जो है ना दोस्तों 1000 रुपये से भी अंदर है, कहीं कहीं तो ये 700-800 रुपये मिल जाते हैं, 600 रुपये में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं एक ड्रिल मशीन की अनबॉक्सिंग करूंगा जिसको मैंने परचेस किया है, और लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1000 रुपये से कम की कीमत में है और सारे इसके फीचर्स बताऊंगा। सिंगल हैंड यूज है, पिस्टल ग्रिप है, सब कुछ इस डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आएगी ना तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीजें हमको मिलने वाली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख मेरा YouTube का चैनल टेक YouTube। दोस्तों जानकारी वही है जो सही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए, अनबॉक्सिंग के लिए कुछ विशेष नहीं है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट में क्या क्या चीजें हमको मिलती है। सिंपली इसके अंदर में कुछ और खास पैकिंग नहीं है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें मिली हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, काफी गंदा है सारा कुछ। और ये चाक और ये कार्बन और ये की, ये भी काफी पुराना सा मूर्छा लगा हुआ। ऑनलाइन कभी कभी सामान अच्छा नहीं मिलता है। खैर चलिए बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखते हैं क्या इसका मिलेगा। और ये एक अलग से और कार्बन जो कि शायद टूट गया है। पैकिंग के मामले में एकदम घटिया कहूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने ही देखिए अनबॉक्सिंग की है। और ये जो कार्बन है ये पूरा तरह से टूटा हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा है, चलिए कोई बात नहीं, शायद इसी की वजह से डब्बा गंदा हो गया है। कि एक ये और है एक्स्ट्रा और शायद ये भी टूट गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर भी टूटा हुआ टुकड़ा है ये। और ये है यूजर मैनुअल, शायद बिल्ड स्किल की तरफ से है और इसको मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट पे। प्राइस वगैरह सब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और ये इसके अंदर 5 बिट आई थिंक मुझे मिला है। ठीक है, ये बिट है अलग अलग डिफरेंट साइज के, ये भी पुराने जैसे लग रहे हैं पता नहीं क्यों। 6 ये पतले वाले हैं और एक ये मोटा वाला, आई थिंक ये दीवार पे करने के लिए और ये लकड़ी पे। ठीक है, और ये चाक का साइज जो है 10 mm का है। बाकी इससे बहुत कुछ किया जा सकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर में। ठीक है, और इसको भी निकाल लेते हैं। और ये बिल्ड स्किल की तरफ से काफी टूटा है क्या? नहीं टूटा नहीं है, स्टिकर अलग हो गया है, अलग दूसरी जगह चिपक गया है। और ये वन हैंड यूज है, पिस्टल ग्रिप साइज। बाकी सब कुछ इसके डिटेल्स में आपको बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग देख ली है, इस सारी सामान ये मुझे मिला हुआ है इसके अंदर में। और क्या क्या चीज है मैं सब कुछ डिटेल में आपको बता दूं। ये है यूजर मैनुअल और ये बिट है। अब दोस्तों एक बिट तो ठीक है, ये वॉल वाला है। ठीक है, इसकी बिल्ड और फिनिश आप देख सकते हैं।
बाकी इसके साथ में जो ये छः बिट और मिली है, ये सेम साइज़ है और ये लकड़ी के लिए है, इससे दीवार में छेद नहीं हो सकता, ठीक है, ये लकड़ी के लिए। जैसा कि मेरा हाथ देखकर काला हो गया है तो वो इन सब की दया दृष्टि है। और ये है की, क्योंकि इस चक में बिट को डालने के बाद इसको टाइट करने के लिए सब कुछ बताऊंगा और यूज़ भी बताऊंगा कैसे करना है। और ये है एक्स्ट्रा पेयर था इसके अंदर में दो कार्बन, जो कि शायद पैकिंग में आने में टूट गया है और जिसकी वजह से ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये की होल्डर है, जैसा कि काम करने के बाद यहाँ पे की होल्डर है, इसमें डाल के इसको रख देना है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आपको बता देते हैं कि इसके फीचर वगैरह क्या है। और ये जो चक का साइज़ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस चक का साइज़ जो है 10 mm का है, इस पर लिखा हुआ भी है 10 mm, ठीक है, 1.5 to 10 mm और 3 × 8.27 UNF, तो ये इसका मॉडल नंबर वगैरह है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर जो फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वेंटिलेशन के लिए होल दिया गया है, इसी के अंदर में कार्बन भी लगा हुआ है, ये वेंटिलेशन के लिए होल है। और ये पिस्टल ग्रिप है, ठीक है, ये पिस्टल ग्रिप है। और ये स्विच है ऑन ऑफ के लिए, और ये कंटिन्यूस स्विच है। सपोज थिंग अगर आपने इसको दबाया और इसके बाद इसको अगर आप पुश कर देंगे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा ये, ठीक है। अभी मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा, और इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। ये है इसके फीचर्स, ठीक है। और अब बात करें यहाँ पर इसके पावर कॉर्ड की, तो ये लगभग 1.5 meter का इसका पावर कॉर्ड है, ठीक है, ये देखिए। और चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ, ये मैंने इसको ऑन किया और यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। अभी आपको मैं इसका सिंगल यूज करके भी दिखाऊंगा, और चक को कैसे लगाना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और दोस्तों इससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, और ये है बिल्ड स्किल की तरफ से आने वाला, ठीक है। और जो बिल्ड, अरे ये तो निकल भी गया, अरे ये क्या आर्का पावर क्या, छोड़िए अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब मैं कंपनी से बात करता हूँ, इसको रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी इसकी बिल्ड और फिनिश वगैरह बहुत बढ़िया तो मुझे नहीं लग रहा, ओवरऑल ठीक है। वर्क कैसा करता है देख रहे हैं, कार्ब देखिए स्टार्ट करने पर कार्बन की बीमारी है। अब ये पिस्टल ग्रिप इसीलिए इसको कहा जाता है, ये इस तरीके से हाथ में आता है। और ये देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ बताया है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें जो बच्चे कितनी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी इससे काम वगैरह लेते हैं। और ये दोस्तों इसकी जो प्राइस वगैरह है ना, हमेशा वेरी करती रहती है, तो आपको जहाँ से भी लेना होगा चेक कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको 800 के करीब परचेस किया था, बाकी इसकी प्राइस हमेशा वैरी करती रहती है। चलिए इस चक को मैं इसमें लगाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये देखिए इस चक को इसमें टाइट कर दिया, आवाज़ भी देख रहे हैं। अब यहाँ मैं बीट को लगाता हूँ, और बीट लगाने के बाद देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये है चक, ठीक है, इसको इस तरह से राइट में घुमाना है और ये नीचे आ जाएगा, और बिट को इसके अंदर में डाल देना है, ठीक है। बिट को डालने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट करना है, और ये की से यहाँ पर इसको इस तरीके से टाइट कर देना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तीन होल्स बने होंगे, ठीक है, इन होल्स में इनको टाइट कर देना है, ये ठीक है, इसको टाइट कर दिया। और अब ये हमारा जो ड्रिल है, जैसा कि दोस्तों आप ये जो चक देख रहे हैं, इसको लगाने और इसके अंदर में बिट को लगाने का काफ़ी लोगों ने जो लगाते हैं, पता नहीं क्यों गलत तरीके से लग जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चक को इस तरह से इसमें लगा देंगे, ठीक है, और ये एक बार टाइट अगर हो गया ना, तो इसके लिए फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से इसमें से टाइट हो जाएगा। उसके बाद बिट को इसके अंदर डाल देना है, और इस तरह से बहुत सारे लोग जो चक को लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो ये जो चक है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो ये जो चक है देखिए कहाँ पे जाके बैठ गया, ये गलत जगह चला गया। अब अगर मैं इसको ऑन करूँगा, ठीक है, तो अगर ये देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखिए किस तरीके से चल रहा है। तो ये ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चक को एकदम बीच में सेंटर में लगाना है, तीनों इसके बीच में, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ इसको सेंटर में ला के इस तरह से की मदद से इसको टाइट कर देना है। ये देखिए, तो आपको इस तरह से चक को लाना है और ये देखिए एकदम सेंटर में इस तरह से आपको ला के फिर यहाँ पे इसको की मदद से टाइट कर देना है। और ये तीन तरफ होल दिया हुआ है टाइट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से टाइट करने के बाद अगर आप फिर अगर आप देखें अगर, तो ये देखिए कहीं से भी टेढ़ा नहीं चल रहा है, इससे होल। इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 2 kg का है, सिंगल हैंड बड़े आराम से आप यूज़ कर पाएंगे इसको, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम इसको सिंगल हैंड बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा तो चलिए दोस्तों, मैंने ये लकड़ी का बीट लगा दिया है और इस लकड़ी के अंदर मैं इसको होल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सावधानी भी रखनी पड़ेगी, ठीक है, देखते हैं। करीब में लिया, जूम करो, जूम करो, धूल उड़ेगा। तो ये बड़े आसानी से इसने इसको छेद कर दिया, ठीक है, ये काम का है, ठीक है।